चुका है। इस टाइम आ गए हैं हम दादा मोटा श्री श्याम जी मंदिर भरतल धाम। तो भरतल के पास है ये गांव, कुछ इस तरह से पड़ता है। हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दिया चुका है, इस टाइम हम आए हैं, लेकिन मंदिर है बंद। और जो मंदिर खुलने का टाइम दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है, 5 बजे से 7 बजे और 11 बजे बंद हो जाता है। शाम को खुलेगा 5 बजे, फिर 9 बजे बंद हो जाएगा। तो ये कुछ इसकी टाइमिंग्स है। तो ये है वो मंदिर, इस टाइम कितना भव्य लग रहा है देखने में, है ना। बंद मंदिर का व्लॉग शूट करने है। तो ये है कुछ ऐसा मंदिर है ये। तो सामने मेरे को भगवान शंकर की मूर्ति दिखाई दे रही है और सामने नंदी जी बैठे हुए हैं। तो आपको भी अगर दिख रहा होगा तो काफ़ी सुंदर है, सजाया हुआ है। काफ़ी पुराना लग रहा है मेरे को ये मंदिर, और सारे देवी देवता उसकी फ़ोटो है। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, ये विष्णु भगवान लग रहे हैं। हाँ जी, विष्णु भगवान है, कछुए की सवारी उन्हीं की है। और एक यहाँ पे विष्णु भगवान है, ऊपर शंकर भगवान जी हैं, और पूरा बढ़िया संगमरमर का बनाया हुआ है ये। और काफ़ी अच्छा है इधर का वातावरण, इस टाइम खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है, यहाँ पे बनाई हो रही है। तो यहाँ एक मूर्ति लगी हुई है राधा कृष्ण जी की, और ये देखिए अभी ये काट तो नहीं लेंगे, तो सही है। ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। तो परसों जन्माष्टमी थी, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। तो हम तो प्रसाद लाए नहीं है, सब तो तैयार, देखो कितने सारे हैं, है ना। तो बैठे हुए, मेरे को तो इनसे डर लग रहा है कि काट ना ले। आ, तो वहाँ चलते हैं, मेन गेट वैसे वैसे वो है, वहाँ का दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हर की पौड़ी की फ़ोटो डाली हुई यहाँ पर बड़ी सी बना रखी, हर की पौड़ी की ऊपर अपना कृष्ण जी और गैया वहाँ, और यहाँ बैठा रखे इन्होंने बहुत बड़े गणेश जी सामने बिल्कुल। जो कि काफ़ी बड़े हैं, और कितना मंदिर की ऊंचाई देखिए कितनी है, बहुत ज़्यादा मंदिर की ऊंचाई है। और सामने से देखने में मंदिर बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और ये कुछ इसका ग्रह है जहाँ पे शायद भंडारा या फिर प्रसाद बैठता होगा, तो बैठ के यहाँ पे। हाँ, यहाँ मेरे ख्याल से भंडारा वगैरह का स्पेस। हाँ, या फिर पूजा 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 वूजा करानी हो तो उसके लिए भी है। और यहाँ पे एक पौंड बना रखा है इन्होंने आर्टिफिशियल, और काफ़ी पानी एकदम साफ है इधर बारिश का। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, यहाँ से लेके पूरी एक मंदिर की प्रॉपर्टी है। और नीचे भी जा सकते हैं हम, नीचे से जाना पड़ेगा, वहाँ पे पैड़ियाँ हैं। वो कितना बड़ा पीपल का पेड़ है, 2 बड़े पीपल के पेड़ हैं, और काफ़ी पुराने लग रहे हैं मेरे को ये। आर्टिफिशियल पौंड बना रखे हैं, है ना, ये बारिश के पानी से भरा हुआ मेरे ख्याल से। हाँ, तो इस जगह का नाम है भरतल धाम। यह है श्री दादा मोटा समाधि। तो श्री दादा मोटा रहे होंगे, काफ़ी जाने माने रहे होंगे, तो उनकी समाधि के तौर पे यहाँ मंदिर बनाया हुआ है। और यहाँ पे इसका ऑफिस है मंदिर का, एक उधर ऑफिस है, मेन गेट ये है। यहाँ का एम्बियंस भी बहुत बढ़िया है, मतलब हाँ, खाली खाली शांति है, पीस है। मंदिर में ज़्यादातर होती है पीस, अगर भीड़ भाड़ ना हो तो काफ़ी शांति रहती है। वो इधर आ जा। तो यहाँ पे श्याम जी का मंदिर, तो ये है मेन श्याम जी का मंदिर। देखिए कितना भव्य बना रखा है, छत पे भी देखो, छत पे भी टाइल्स लगा रखे हैं। तो इस टाइम ये बंद है, लेकिन एक क्वार्ड खुला हुआ है। तो यहाँ पर है श्री खाटू श्याम बाबा जी हैं, तो श्याम जी हैं, इधर है मेन, इधर से बंद है, पर कपाट बंद है इस टाइम। तो एक कपाट खुला हुआ है, तो यहीं से हम दर्शन कर लेते हैं। वो दर्शन काफ़ी हैं श्याम जी के। चल खाटू श्याम जी, श्याम जी के दर्शन ऑडियंस को भी करा देते, कर लीजिए भाई। श्याम जी का बाबा का आश्रम वो बना हुआ है मंदिर, और काफ़ी भव्य है।
और यहाँ पर एंट्री, नीचे जाने की एंट्री यहाँ से है, पर ये बंद है इस टाइम। वैसे देख वो सामने से गेट खुला हुआ है नीचे जाने के लिए, हम अगर जाना चाहें तो नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक झूला रखा हुआ है, तो ये झूला मेरे ख्याल से श्याम जी के लिए है, तो हम भी थोड़ा झुला देते हैं इसको। खाटू श्याम, खाटू श्याम है ना? हाँ, खाटू श्याम जी। तो यहाँ पे जगह जगह बेल्स लगी हुई हैं, घंटियाँ, तो काफ़ी दर्शन कर लिए। इस टाइम मंदिर बंद पड़ा है, नहीं तो हम अंदर जाके दर्शन कर सकते। श्री श्याम का मंदिर है, श्री श्याम दादा मोटे जी के नाम से तो मशहूर है। अच्छा। हाँ, और ज़्यादा कुछ बूझना हो तो पंडित जी लेटे हुए हैं कमरे में। अच्छा, खुलता कितने बजे? शाम को 4 बजे के बाद। और कब तक खुला रहता है? 8 बजे। और सुबह? सुबह 5 बजे खुल जाता है। टाइमिंग हम अभी इस वक्त पैलेस में बंद है, 12 बजे के बाद बंद हो जाता है। अच्छा, 4 बजे खुलेगा। तो ये वेटिंग रूम है, ये वेटिंग रूम बना रखा है, किस चीज़ का बना रखा है? सत्संग वगैरह। अच्छा, सत्संग करने के लिए। और भी हैं, और ये तालाब का है, इसमें स्नान भी करते हैं यहाँ के लोग। अच्छा, स्नान के लिए तालाब बना रखा है ये। फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया, पंडित जी लेटे हुए हैं, लेकिन पंडित जी को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सुबह की आरती करके वो लेटे हुए हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया मंदिर में। बैठ रहेगा थोड़ी देर? तो इस मंदिर का एम्बियंस इतना बढ़िया है ना, यहाँ मन कर रहा है यहाँ से जाने का नहीं, क्योंकि मेंटेन्ड है काफ़ी। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था, खटपट की आवाज़ ना आ रही थी, तो बहुत मज़ा आता है। और ऊपर देखिए, ये कौन से भगवान है? सारे भगवान हैं, ये विष्णु है, विष्णु भगवान है, सारे भगवान हैं, जितने भी विष्णु जी के रूप है ना, सारे दिए हुए हैं। नहीं, सारे भगवान जोड़े हुए हैं इसमें। ब्रह्मदेव है, नरसिम्हा है, गणेश जी है, शंकर जी भी है, हनुमान जी भी है, मेरे को सारे दिख रहे हैं। यहाँ तक कि वो भी दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का फ्री वाईफाई भी लगा हुआ है, वाईफाई जोन भी है ये। और ये काफ़ी पुराना पीपल का पेड़ देखिए, ये इसका बेस बनाया हुआ है, और ये मटकियाँ हैं। तो चलते हैं बाहर अब। तो ये दानकर्ताओं की सूची है, और दान करने के लिए इन्होंने अपना ऑप्शन भी डाला हुआ है, कैनरा बैंक और ACC अकाउंट नंबर भी डाले हुए हैं। पूरी डिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं भाई। चलो बाहर चलते हैं। अच्छा मंदिर है ना? अब तो मैच में पानी भर गया, मेरी गारंटी है। तो सामने मेला ग्राउंड है, तो बाहर से ले लेते हैं इसकी फोटोज। तो ये कुछ इसका वहाँ से लेके बिल्कुल एंड से, और ये पूरा वहाँ तक है। वो जो मैं गेट बता रहा था नीचे जाने का, वहाँ पर है वो गेट। तो ये वो एंट्री गेट है, जहाँ से हम नीचे, जो कि इन्होंने कुंड बनाए हुए हैं मंदिर के, तो यहाँ पे हम कुंड की भी फ़ोटो खींच लेते हैं। ये जी पीपल महाराज जी का मंदिर, वो ये कुंड है। कुछ ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं बैठने के लिए मेरे ख्याल से, और वो सामने उसका नाम रखा हुआ उन्होंने स्टेडियम, और ये आर्टिफिशियल कुंड है। तो हम नीचे जा नहीं रहे, वैसे जा सकते हैं नीचे, लेकिन करेंगे क्या। तो हम यहाँ से निकलते हैं, हम दिखा रहे हैं बस आपको सामने से। और ये सामुदायिक भवन है सामने हमारा, ये सामुदायिक भवन है, यहाँ पर शादी पार्टियों के लिए मेला ग्राउंड है। चलते हैं गाड़ी में।